Okay, G, let's move on to the lecture number two of our course. इसमें हम intensity, duration and frequency of rainfall के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, basically intensity और duration का जो लफ्ज़ी मतलब है वही इसका एक्चुअल में मतलब है। इंटेंसिटी बोलते हैं शिद्दत को, कि रेनफॉल जो है वो कितनी ज़्यादा जो है ना वो शदीद है। ठीक, तो इंटेंसिटी जो होती है ना बेसिकली इसको, इसका जो फार्मूला है ना वो बेसिकली है डेप्थ ओवर कि रेनफॉल की कितनी डेप्थ कितने टाइम में बनी है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सी, और मैंने बेसिकली रेन केज बनाने की कोशिश की थी लेकिन पता नहीं है इस पर, थोड़ा सा लैपटॉप थोड़ा स्लो ही है। तो ये बिल्कुल आपकी रेन केज है। ठीक है, और ये नीचे से आपने इसको जो है, अब अगर बिलफर्स आपकी रेनफॉल है और ये डेप्थ आपकी रेनफॉल ने बनाई है, ठीक है, अब ये डेप्थ आपको कभी नहीं बताएगी कि रेनफॉल जो थी ये शदीद थी या शदीद नहीं थी। वो चीज़ आपको क्या बताएगी कि ये डेप्थ जो है ये कितनी देर के अंदर जो है एक इवेंट की वो अचीव हुई है। अगर ये डेप्थ बिलफर्स वो टू, ये डेप्थ सपोज कर लेते हैं कि ये डेप्थ है ना, ये है बिलफर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली डेप्थ है ना, ये है बिलफर्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या टू इसको बोल दो, 2 सेंटीमीटर के बजाय इसको बोल दो कि ये 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर ये डेप्थ जो है ये बिलफर्स अचीव हुई है इन जो टाइम जो है ना जिसमें डेप्थ जो है ना बनी है बिलफर्स, वो है 1 आवर, या 1 आवर की जगह मैं बोल देता हूँ कि वो 3 आवर में अचीव हुई है। ठीक है, ये डेप्थ, तो ये एक आप कहते हो सिंपल यार, 3 मिलीमीटर की बारिश 1 आवर में हुई है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, डेप्थ कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर यही डेप्थ जो है मैं बोल दूँ आपको कि ये टाइम जो है ना ये 10 मिनट में अचीव कर दी है, 10 मिनट के अंदर, तो आप बोलोगे कि यार ये तूफान आया था। डेप्थ वही है लेकिन जस्ट टाइम जितने में डेप्थ बनी है उसने डिफाइन किया कि ये आम एक रेनफॉल इवेंट है या ये एक तूफान है। तो इस वजह से जो है ना जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो बड़ी ज़रूरी होती है, ये उसकी ड्यूरेशन है बेसिकली और ये जो है उसकी डेप्थ है। जब डेप्थ को और ड्यूरेशन को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, इंटेंसिटी बन जाएगी। डेप्थ सिंपल कुछ नहीं बताती होती कि डेप्थ क्या है, सही है, आपको इंटेंसिटी जो है ना साथ में डिफाइन करनी पड़ती है ताकि आप एक नॉर्मल रेनफॉल इवेंट को, नॉर्मल रेनफॉल इवेंट को और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट को जो है वो आपस में डिफरेंशिएट कर सको। ये बेसिकली हमारा जो है ना वो मेन एक ऑब्जेक्टिव है, सही है। तो आपने इसको जो है ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि इंटेंसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप एक नॉर्मल रेनफॉल इवेंट को और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट को आपस में डिफरेंशिएट कर सको। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉम कवरिंग लार्ज एरिया मे बी लेस इंटेंस एंड लास्ट फॉर सेवरल आवर्स। ये एक हकीकत है कि अगर आपकी बारिश जो है बिलफर्स, ये मैं पूरे पाकिस्तान का ही बिलफर्स, ये पूरे पाकिस्तान का ये मैप है, या पूरे पंजाब का जो है ना ये मैप है एक तरह से, अगर रेनफॉल पूरे पंजाब में हो रही है ना वो कम इंटेंस होगी, लेस इंटेंस होगी, उसकी शिद्दत जो है ना वो कम होगी। लेकिन अगर जो है जो बारिश है वो बिलफर्जी इतने से एरिया में हो रही है, हाँ अब जो है ये बारिश जो है क्या होगी, ये बहुत शदीद होगी। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी रेनफॉल है जितनी शदीद रेनफॉल होती है वो उतनी ही कम एरिया पे होती है, सही है। बारिश अगर बाहर बहुत तेज़ हो रही है ना, आप उस जगह से अगर 1 किलोमीटर आगे चले जाओ तो उससे ताकि बारिश की शिद्दत जो है ना वो ना हो जो आपके उधर है। तो आपने याद रखनी है बात वाली कि स्ट्रॉम जो है जो कि ज़्यादा एरिया को कवर करे वो कम इंटेंस होता है, और वो स्ट्रॉम
वो तूफान जो कम एरिया पे आए बहुत इंटेंस होता है, याद रखनी है बात। और आपने ये आमतौर पर ऑब्जर्व भी की हुई है, द कम्बिनेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन रिजल्ट्स इन फ्लडिंग। कहते हैं कि अगर बिलफर्स आपका जो है स्ट्रॉम जो है उसका एरिया भी ज़्यादा है और उसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉम का जो एरिया है वो ज़्यादा है और उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा देर के लिए आया हुआ है, तो फिर क्या आता है पानी जो कि ज़्यादा आता है, तो फिर जब ज़्यादा पानी आए तो उससे क्या बनता होता है, उससे सैलाब आता होता है, उसको फ्लड बोलते होते हैं। तो फ्लड का बनता होता है जब आपके जो स्ट्रॉम है उसका एरिया भी ज़्यादा हो और उसकी ड्यूरेशन जो है ना वो भी क्या हो, वो ज़्यादा हो। और स्ट्रॉम्स जो है ना करते क्या हैं, वो ज़्यादा सॉयल को इरोड करते हैं और डेवस्टेशन लेके आते हैं। ये भी सिंपल सी बात है कि जितना स्ट्रॉम जो है वो शदीद होगा उतनी ही मिट्टी जो है ना वो ज़्यादा अपने साथ वो लेकर आएगा, वही सिंपल सी बात है। स्ट्रॉम जो है ये इसमें जब स्ट्रॉम जो है वो इंटेंस हो, स्ट्रॉम जो है वो इंटेंस हो तो क्या होता है, मोर वाटर, ज़्यादा पानी आता है उसके साथ, ठीक है ना। और जब मोर वाटर जो है ना वो फ्लो करे, ज़्यादा पानी फ्लो करे तो इरोजन क्या होती है, वो हाई हो जाती है। हमने यहाँ तो भी देखा जितना पानी ज़्यादा होगा उतनी इरोजन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इस वजह से स्ट्रॉम जो है वो इरोड भी करता होता है सॉइल को और साथ साथ वो डेवस्टेशन भी जो है ना वो कॉज करता होता है। ये तो हमने देखा होना, तूफान जो है वो डेवस्टेट तो करेगा ही करेगा, इरोजन क्यों करेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी उसके साथ होता है इस वजह से। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हमने पढ़ना, हम लोगों ने इंटेंसिटी को पढ़ लिया, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया, ड्यूरेशन को पढ़ लिया, थोड़ा सा देखने के फ्रीक्वेंसी जो है ना वो क्या होती है। अच्छा पहली बात तो ये कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो होती क्या, सिंपल लफ्जों में बयान करें तो टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ रीअकरेंस, किसी भी चीज़ को वापस आने की जो है ना वो जो एक एबिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो हम क्यों किसी भी तूफान की हम फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड क्यों है, क्या वजह है कि हम किसी भी तूफान की इंटेंसिटी के अंदर इंटरेस्टेड है। ये तीन पॉइंट्स जो है ना आपको बताएंगे वो। पहला पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ वाटर कंट्रोल फैसिलिटी इज टू डिटरमिन द प्रोबेबल रीअकरेंस ऑफ स्ट्रॉम ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड इकोनॉमिकल एंड साइज्ड स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ट। अच्छा अब ये जो बात है ना ये बहुत एक मुझे क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग भी लगेगी आपको, और हो सकता है कि पहले जो है ना वो इतना इस बात से आपका जो है ना वो इनकाउंटर ना हुआ हो, सो मुझे पहले इस बात को थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन करने दो। देखो मानसून जो है, पहली जो मैं हमेशा इस बारे में बात करता होता हूँ वो ये है कि मैं हमेशा इस बारे में पहले बात करता होता हूँ वो ये है कि जब भी किसी इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी ना तो वो उतना ही वो लेस इंटेंस होगा, ठीक है। ये एक नया एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। हर जो डेवास्टेटिंग इवेंट है ना, और हर जो इवेंट है वो जो डेवास्टेटिंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लो है, जो बड़ी देर के बाद आता है, फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब क्या है कि बहुत देर के बाद जो है ना वो इवेंट आएगा, तो जो वो जो है ना इंटेंस क्या होगा, वो बड़ा हाई होगा, ठीक है। जितना एक इवेंट जो है वो देर के बाद आएगा उतना ही वो इंटेंस जो है ना होगा। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारी जो क्या कहते हैं इसको, एक जो भी आया था अर्थ के आया था 2005 के अंदर आज़ाद कश्मीर में, कहते हैं कि उसकी जो रिटर्न पीरियड है ना वो 100 साल है, कि 100 साल के बाद जो है ना वो एक दफ़ा इवेंट ऐसा आता होता है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही जो आपके जो जो आपका एक क्वेटा में आया था अर्थ को 1935 में कि 36 में, उस टाइम अभी पार्टीशन से पहले जो है ना वो आया था वो पाकिस्तान बनने से पहले, तो वो कहते हैं कि उसका जो रिटर्न वो पूरे का पूरा कोयटा उसमें ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब वाला कोयटा बना ये नया शहर है कोयटा जो, उस टाइम पूरे का पूरा कोयटा ख़त्म हो गया था,
उसकी जो जो है ना वो रिटर्न पीरियड है वो 100 साल से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही ये वो ज़्यादा इंटेंस जो है ना वो इवेंट था। ठीक है, मॉनसून जो है ये भी एक इवेंट है, हर साल आता है ये, लेकिन इसकी इंटेंसिटी क्या है वो कम है, मतलब आता है हर साल चला जाता है, कोई इसी मसले वाली बात नहीं। ठीक है, कोई उससे जो है ना डेवस्टेशन नहीं होती हमारी। ऐसे ही एक इवेंट है क्यामत का इवेंट है, वो सिर्फ एक बार आना भाई, और वो इंटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमेशा हर वो चीज़ जो एक दफ़ा आती होती है या जो कम दफ़ा आती होती है वो इंटेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उस चीज़ के जो कि हर साल आए या हर रेगुलरली आए, वो इंटेंस जो है ना वो कम होते हैं। ये कुदरत का ना एक असूल है, और ये बड़ा अच्छा असूल है, तभी हम बचे हुए हैं, कि हर बुरा तूफ़ान जो है वो बड़े लंबे अरसे के बाद आता होता है। ये जो अब वबा आई है ये ऑलमोस्ट जो है ये इससे पहले वाली वबा जो थी स्पेनिश फ्लू थी वो कब आई थी, 1918 में आई थी। अभी तकरीबन 102 साल के बाद जाके जो है ऐसा एक इवेंट आया ये कोरोना वाला। तो यही होता है कि हर बुरा इवेंट जो है वो एक लंबे अरसे के बाद जो है वो जाके आता होता है। अच्छा, अब हम अपने कोर्स के बारे में स्पेसिफिक बात करते हैं कि अपने कोर्स के लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर बिलफर्ज एक दरिया है आपका, ये दरिया है जी आपका, अपने समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, तो ये आपका दरिया है। ठीक है, अब जी आपने इस दरिया के ऊपर ना एक डैम बनाना है। मैं समझा के आ रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी समझा रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है उससे आप कैसे जो है ना वो किसी भी क्या करना चाहिए मुझे कि सवाल क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी को किसी भी स्ट्रॉम की या किसी भी इवेंट की फ्रीक्वेंसी को उसको कैसे आप जो है किसी भी वाटर कंट्रोल फैसिलिटी को डिज़ाइन करने में आपके काम आएगा। वाटर कंट्रोल फैसिलिटी जो है ना वो क्या होता है, मैं उसको आम जुबान में बात करूँ तो वो डैम है। यानी कि अगर कोई भी आपका इवेंट है आपने उसको कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी से जो है ना वो अंडरस्टैंड करना है कि आपको कितना बड़ा डैम चाहिए। मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूँ, किसी भी इवेंट की, चाहे वो फ्लड का इवेंट हो या कोई और इवेंट हो, आपने उससे वाटर कंट्रोल फैसिलिटी, वो क्या होती है जो पानी को अपने अंदर स्टोर करती है, आपने कैसे जो है वो डिटरमिन करना है कि आपको कितना बड़ा डैम चाहिए। आपको आया एक स्मॉल डैम चाहिए, आपको मीडियम डैम चाहिए, या आपको लार्ज डैम चाहिए, ये आपको क्या बताएगी वहाँ पे आने वाले इवेंट। जो फ्लड का पानी डैम करता क्या होता है, पानी को स्टोर करता होता है, किसी भी फ्लड को स्टोर करता होता है। अब वो कहता है कि जी फ्लड की जो आपको क्या करना चाहिए मुझे कि फ्लड की जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है, जो इस दरिया में फ्लड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको बताएगी कि आपने डैम जो है वो कौन सा बनाना है, छोटा दरमियाना या बड़ा डैम बनाना है आपने। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इस दरिया के ऊपर एक डैम बनाना चाह रहे हैं, और हमने ये डैम पे ये वॉल है जो डैम की वॉल सपोज कर लो, तो हमने ये देखना है कि हमें कोई डैम जो है वो मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए या लार्ज चाहिए। तो हमने अब कैसे इसको डिटरमिन करना है, कैसे इसको जो है ना वो बयान करना है। ठीक है, अच्छा अब होगा ये कि हम इस दरिया पे डैम बनाने से पहले हम इस दरिया के अंदर जो पानी के फ्लोज है ना उनका डाटा लेंगे, हिस्टोरिकल डाटा। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इस डैम को बनाने से पहले, बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल फ्लो डाटा लेंगे। ठीक रिवर का, कि रिवर के अंदर जो हिस्टोरिकली फ्लोज होते रहे हैं उनका डाटा हम लेंगे। ठीक है, उनका डाटा हमने लिया, फिर उस डाटे के ऊपर हम करेंगे एनालिसिस। वो एनालिसिस हम अभी भी करेंगे, बाद अपने इस कोर्स में भी करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें परेशान नहीं होना कि वो कौन सा एनालिसिस है, वो हम करेंगे भी बाद में, हम वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैथमेटिकल जो है ना ऑपरेशन करेंगे। अब उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद हम ये पता कराएंगे कि जी एक इवेंट जो है उसका रिटर्न पीरियड जो है वो क्या है,
यानी कि वो एक इवेंट जो है, जो फ्लड का इवेंट है, वो वापस कब आ रहा है, कितने अरसे बाद वापस आ रहा है। बिलफर्ज आपने एनालिसिस किए और जो रिटर्न पीरियड आया वो, उसका टेबल आपके पास ये फॉलोइंग है, ये टेबल बना आपके पास जो मैं बना रहा हूँ कि जी अगर फ्लो उसका था ना 50, मैं कहता हूँ कि ये फ्लोज हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है ना, और इसके साथ में जो है ना वो बिलफर्ज आपके आ रहे हैं रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड जो है वो हमेशा किस में आता होता है, वो इन ईयर्स आता होता है। हाँ वो आता था किसके अंदर, ईयर्स आता था, ये फ्लोज आ गए, ये आपका रिटर्न पीरियड आ गया इन ईयर्स। बिलफर्ज़ी आपने 50 क्यूबिक मीटर पर सेकंड अगर फ्लो है आपका, इसका रिटर्न पीरियड जो है ना वो है, आप बड़े से स्टार्ट करो, बिलफर्ज़ बिलफर्ज़ी ये आता है 5 लाख, 5 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जो है ये आता है हर, बिलफर्ज़ आता है हर 100 साल के बाद, ठीक है, ऐसे ही बिलफर्जी जो है ना आपका 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ये आता है हर, रिटर्न पीरियड जो है ना आपका आता है 50 साल के बाद। आपको जो 1 लाख है ये आता है हर 10 साल के बाद। 50,000 जो है ये आता है हर 5 साल के बाद, ऐसे ही 10,000 है ये आता है हर 2 साल के बाद, ठीक है। ये आपके डिफरेंट जो है आपने एनालिसिस की है डेटा के ऊपर, और आपको ये आया कि 5 लाख 100 साल के बाद आता है, 2 लाख जो है 50 साल के बाद आता है, जो है वो 1 लाख जो है वो आता है बिल्कुल 10 साल के बाद, 50,000 5 के बाद, और हर 2 साल के बाद जो है 10,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का जो है ना वो फ्लड आता है, ठीक है। अच्छा अब आपने जो है जो डैम बनाना है, अगर आपने इसके लिए डैम डिज़ाइन करना है कि वो हर 100 साल के बाद आने वाले इवेंट को भी अपने अंदर जो है ना समाए, ठीक है, तो डैम क्या चाहिए होगा, आपको बड़ा डैम चाहिए होगा, बहुत बड़ा डैम चाहिए होगा ताकि ये पूरे का पूरा फ्लो उसके अंदर जो है ना वो समा सके, ठीक है। अगर आपने ये डैम जो है वो इसको जो है मैनेज करने के लिए बनाना है 50 साल के बाद वाले को, तो आपको एक मीडियम डैम चाहिए, और अगर आपने इसके लिए बनाना है तो आपको एक स्मॉल डैम चाहिए। अब क्या है, आपने जो है एक डैम डिज़ाइन करना है इसके ऊपर, अब क्या देखोगे कि आपके पास जो फाइनेंसेस हैं वो कितने, सबसे पहला जो जो आप देखते हो ना वो क्या है, आपके पास फाइनेंसेस, पैसे कितने हैं आपके पास, ठीक है। दूसरी बात कि जिस, अब जाहिर बात है कि आप सैलाब को जो बचा रहे हो किसके लिए बचा रहे हो, कोई इस भाई दरिया के आसपास कोई शहर होगा, ठीक है, आप बचा रहे हो ना, डैम क्यों बनता होता है, ताकि पानी स्टोर हो और सैलाब ना आए। सैलाब कहाँ पे ना आए, कहीं कोई साइट कोई शहर होगा ये वाला जिसको आप बचा रहे हो। अच्छा अब तो ये अगर लाहौर शहर है बिलफर्ज, ठीक है, फिर तो डिफरेंट चीज़ है कि भाई आपका इंडस्ट्रियल शहर है, बहुत बड़ा शहर है, फिर तो क्या है कि कोई फाइनेंस का चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने कहना कि 100 साल के बाद भी जो है ना वो जो इवेंट आए वो आपने इसको बचाना है, इस शहर को, कि 100 साल के बाद भी जो ऐसा कुछ इवेंट ना आए कि आपका पूरा शहर डूब जाए और आपकी इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा वाला कंट्रीब्यूटर जो है ना ख़त्म हो जाए, आप नहीं चाहोगे, ठीक है। फिर क्या है कि जी एक ऐसा डैम बना लें, अगर कोई कोई शहर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या करोगे आप कि 50 साल वाला बना लो यार, कोई बात नहीं, 50 साल के बाद अगर कोई जो है ना वो इवेंट अगर आना भी हुआ तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, हम जो है ना वो जो 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 डैम है बना लेते हैं ताकि 50 साल तक वाले इवेंट को हम केटर कर सकें, ठीक हो गया। अच्छा इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि यार आपका ये जो डैम है ना इसकी लाइफ कितनी है, अगर तो इस डैम की लाइफ जो है वो है ही 50 साल, तो फिर तो आपको इतना पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप एक डैम बना लो, 50 साल के बाद आप उसको जो है ना दोबारा कोई डीकमीशन करके, कोई दोबारा जो है ना साइड करके सिलेक्ट वहाँ बना लेना, उसको दोबारा बना लोगे आप, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, अगर 50 साल वो सर्व कर रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप डिसीजन करते होते हो कि आपने किसको बचाना है, पैसे कितने हैं, और कितने अरसे के लिए आपको डैम चाहिए, कितना जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना आप जो है ना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सारा कुछ देख दो के जो है ना आप उसकी बेसिकली फिजिबिलिटी बना के और फिर डैम को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हो।
लेकिन जो सारा डिसीजन है वो कौन दे रहा है आपको, वो ये जो आपके इवेंट के रिटर्न पीरियड है वो दे रहे हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जितना इवेंट छोटा होता जा रहा है उतना ही उसका रिटर्न पीरियड जो है वो कम होता जा रहा है। क्लियर है ये वाली बात कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको जो है ना आपने डिसाइड करना। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिबल टू डिज़ाइन अ रिजर्वायर फॉर द ग्रेटेस्ट रेनफॉल। वही कहता है कि जी ज़्यादा बड़े फ्लो के लिए जो है वो हमेशा जो है डैम को बनाना वो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, वो कोई फिजिबल बात नहीं है। ठीक है, क्यों फिजिबल बात नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि जी आपका डैम की लाइफ ही बहुत कम हो। ठीक है, डैम की अगर लाइफ कम है, अगर डैम आपका है ही 50 साल का, तो आप उसको इतना बड़ा बना दोगे कि 100 साल के बाद आने वाला इवेंट भी उसके अंदर आ जाएगा। हो सकता है कि 100 साल के बाद वो जब इवेंट आए तो डैम वहाँ पे हो ही ना, वो ख़त्म हो चुका हो, उसके अंदर इतनी सिल्टिंग हो चुकी हो कि डैम ख़त्म हो चुका हो। तो ये भी मसाला है ना साथ में, ये भी देख के जो है आपको डैम को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फिर कहता है कि हाउ एवर वेयर ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर द डिज़ाइन शुड बी एबल टू हैंडल द मैक्सिमम रन ऑफ एवर जनरेटेड। कहते हैं कि अगर बीच में कोई शहर वगैरह इन्वॉल्व है ना, फिर तो कोई उस पर डिबेट ही नहीं है, फिर तो आपने वो बड़ा बड़ा डैम बनाना है आपने, कोई शहर अगर बचाना है आपने अपना, तो फिर तो कोई बड़ा डैम जो है ना वही बनेगा, फिर तो कोई किसी किस्म की जो है ना वो डिबेट जो है आप नहीं करो। फिर आगे इसने वही लिखा हुआ है कि फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस द रिटर्न पीरियड ऑफ स्टॉर्म्स, कि आपने स्टॉर्म के रिटर्न पीरियड जो है ना उनको असेस करना। ठीक है, हम भी देखेंगे आगे जाके हमने कैसे फाइंड किया ये वाली ये बात की बातें। अब नेक्स्ट जो है ना वो एक स्लाइड है, वो ज़रा इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल लिंक्ड है, तो मैं उसको सेकंड पार्ट के अंदर जो है ना वो बयान करता हूँ। ये लेक्चर सेकंड लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट था, ये यहीं तक का।